नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत और आप देख रहे हैं आज तक न्यूज 24। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिलावटखोरों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। वे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आ रहे दूध में मिलावट को लेकर की गई शिकायत इंदौर दूध विक्रेता एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे शहरी क्षेत्र में दूध में हो रही मिलावट को लेकर दूध विक्रेता द्वारा इंदौर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। शहरी दूध विक्रेताओं द्वारा लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र से इंदौर शहर में आ रहे दूध को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर दूध विक्रेताओं द्वारा पूर्व में बैठक ली गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आ रहे दूध में मिलावट हो रही है, जिसका खामियाजा शहरी दूध विक्रेता को भुगतना पड़ रहा है। खाद्य विभाग और प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र दूध विक्रेताओं पर कार्रवाई न करते हुए शहरी दूध विक्रेताओं पर कार्रवाई की जा रही है और झूठा प्रकरण कर मामला दर्ज किया जा रहा है, जिसको लेकर विक्रेताओं द्वारा प्रशासन और खाद्य विभाग से मांग की गई है कि ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे दूध के सैंपल लिया जाए। यदि दूध में मिलावट पाई जाती है तो ग्रामीण दूध विक्रेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और प्रत्येक गांव में सैंपलिंग मशीन लगाया जाए और दूध के सैंपल जांच की जाए। वहीं बड़ी संख्या में शहरी दूध विक्रेताओं द्वारा ज्ञापन देकर मांग की गई है कि ग्रामीण दूध विक्रेताओं पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसका खामियाजा इंदौर शहर की नागरिकों को भुगतना होगा और आने वाले समय में इंदौर शहर में दूध विक्रेता सप्लाई बंद कर दूध विक्रेता एसोसिएशन द्वारा अपने लाइसेंस सिलेंडर कर दिए जाएंगे और शहर में दूध की सप्लाई बंद की जाएगी, जिसे आम नागरिक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दूध व्यापारियों की तरफ से भारत मथुरावाला जी अपने लोगों को लेकर आए थे। इन लोग की मूल मांग यह है कि FIR के साथ जो कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा वो न की जाए। मेरे द्वारा इनको समझाइश दी गई है कि मिलावट या जो अन्य तरह की चीज़ें इन लोग जो मिलावट में कर रहे हैं दूध में, उसमें FIR करने के प्रावधान तो IPC में ही दिए गए हैं, परंतु फिर भी हम हमारा जो खाद्य एक्ट है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और इन्होंने दूसरी मांग करी है कि फैट वाली प्रणाली को लागू किया जाए दूध के मानक के निर्धारण करने के लिए। उस संबंध में जिला प्रशासन विचार कर रहा है और विचारोपरांत उसमें कोई निर्णय लिया जाएगा। मैं अभय बेड़ेकर, एडिशनल कलेक्टर। भरत भाई, बताइए, जो आपने आज ज्ञापन दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र के दूध संचालकों पर जो वहाँ से जो दूध आता है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आज ज्ञापन के बाद? क्या विगत दिनों हमारे इंदौर दूध विक्रेताओं के सैंपल जो हैं SNF और फैट कम होने के कारण सैंपल फेल हुए थे, लेकिन FSSAI नियम के अंतर्गत जो कार्रवाई होना चाहिए, धारा 21 है, धारा 51 है, धारा 54 है, उसके अंतर्गत कार्रवाई न करते हुए धारा 272, 273 और 420 का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। उसमें हमारा विरोध था क्योंकि विगत 20 वर्षों से हम बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो दूध की गुणवत्ता वो शंकास्पद है, पानी मिला दूध आ रहा है, लेकिन विगत 20 वर्षों से एक भी सैंपल खाद्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाके नहीं लिए, वो शहर में लेते हैं। शहर में सैंपल लेने का अधिकार नगर निगम का है। वो हम साथ ही साथ मांग कर रहे हैं कि उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध मिले, इसलिए जब मिलावट मुक्त शहर का नारा हमारे माननीय जिलाधीश महोदय ने दिया तो इंदौर दूध विक्रेता संघ उसमें सहभागी बनना चाहता है, इसलिए हमने कहा है कि मिलावट मुक्त शहर जब भी होगा, दूध जब भी होगा, तब फैट प्रणाली लागू की जाए। पूरे विश्व के अंदर फैट प्रणाली लागू है, शासन के जो शासकीय उपक्रम है उसके अंदर फैट प्रणाली से दूध का क्रय विक्रय हो रहा है। छोटे से पूरे कपाजे खली 10-11% ऑयल की आती थी, वो आजकल नकली कपाजे खली शहर में बन रही है, जो धड़ल्ले से बिक्री सस्ती होने के कारण उत्पादक उसको खिलाता है, वह साथ ही साथ बियर का बगदा खिलाता है जो कि पशु के लिए हानिकारक है। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं ताकि पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी सक्षमता जो है वो शुद्ध रूप से नहीं आ पाती, इसलिए दूध का स्तर भी गिर रहा है और उसके लिए हमने प्रशासन को अवगत कराया है। हजारों प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं। ADM साहब को हमने कहा, उन्हें कलेक्टर साहब से बात करेंगे और ये भी हमें बताया है कि अब आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होंगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बने धारा 21, 51 और 54 उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। हमने स्वागत कराया। हमने ये भी कहा कि आज तक तो वैसे शहर में सिंथेटिक दूध मिला नहीं है, यदि सिंथेटिक दूध यदि शहर में पाया जाए तो आप अटेम्प्ट टू मर्डर 307 की धारा लगाइए, रासू का लगाइए, पूरे इंदौर दूध विक्रेता संघ का। सैंपलिंग को लेकर क्या कहा गया है? उन्होंने कहा है कि हमारे पास तराफे में धर्म काटा होता है तो ऐसी लेबोरेटरी बना दीजिए ताकि हम वहाँ पे दूध की गुणवत्ता चेक कर लें। जो मानक स्तर का दूध है वो शहर में आएगा, जो मानक स्तर का दूध नहीं है वो वहीं से वापस ग्रामीण क्षेत्र में वापस लौटा दिया जाएगा। भारत मथुरावाला, अध्यक्ष इंदौर दूध विक्रेता संघ, इंदौर। इंदौर से जाहिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना।
इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।